हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 6th of July 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 जुलाई के द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं। आपके पास आज का क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। कौन से नंबर के, यानी कि आपको बताना है ये कौन से नंबर के, जैसे 12वीं नंबर के हैं, 13वीं नंबर के हैं या फिर 14वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ये क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस कारण से मैंने ये लिया हुआ है। सीजीएल के एग्जाम में जो पिछले 2022 का सीजीएल हुआ है, कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रेसिडेंट के बारे में, इसरो के चेयरमैन के बारे में ये क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। ओके, चलते हैं हम लोग अपने आर्टिकल्स की तरफ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। महाराष्ट्र में आपको पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो आपको भंग देखने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट चल रही थी अभी, शिवसेना और जो बीजेपी का टाइप था वो चल रहा था, इसका कोएलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही थी, बट इसमें एनसीपी का भी ज्वाइन जो है आपको देखने को मिलेंगे। एनसीपी के ये जो है अजीत पवार जी, ये इसमें ज्वाइन किए हुए हैं और एज अ डेप्टी सीएम के पद पे ये यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जो सीएम है ये कौन है, एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना पार्टी से है, और डेप्टी सीएम आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन, एक तो देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी से हैं और ये अजीत पवार ये एनसीपी से है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। बाय द वे अभी मैं बात करूं जो इंडिया के जो नेशनल पार्टीज़ है, टोटल कितनी पार्टीज़ है, नेशनल पार्टीज़ 6 हैं। पहले 8 था, 3 हटा दिया गया और 1 जोड़ दिया गया, बन गया अभी 6 नेशनल पार्टीज़ जो कि हमारे कंट्री में अभी एग्जिस्ट कर रही है। ये 6 नेशनल पार्टीज़ कौन कौन से हैं, सबसे पहले एनसीपी फाउंडेशन जो 1885 में हुआ था, फिर आपको जो CPIM है, CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिट सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इनको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा से हटा दिया गया है। उसके बाद CPIM पार्टी जो है ये कहाँ की है, बाय द वे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से स्टेट में अभी रूल कर रही है, केरला में रूल कर रही है। ओके, एनसीपी हो गया, CPIM हो गया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी CPIM, NCP, CPIM, और उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी देखने को मिलेगा, फिर आम आदमी पार्टी और जो मेघालय के कोंडाट संगमा की पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। ये जो छः पार्टीज़ है ये अभी हमारे देश में नेशनल पार्टीज़ है। 3 पार्टीज़ का जो दर्जा है वो कैंसिल किया गया है, कौन कौन सा, एक तो तृणमूल कांग्रेस जो कि बंगाल गवर्नमेंट, अभी तृणमूल कांग्रेस का ही पार्टी है, 1998 में फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद फिर CPIM, उसके बाद फिर मायावती जी का पार्टी, इन तीनों पार्टी को जो नेशनल पार्टी के दर्जा से हटा दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, PhD जो है ये कंपलसरी नहीं रहेगा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे ज्वाइनिंग के लिए। यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे काम करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो आपके लिए PhD डिग्री जो है ये मैंडेटरी नहीं है। बस आपको नेट जो है ये क्वालिफाई करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर प्रोफेसर उसमें बनना चाहते हो। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ना चाहते हो तो आपको SAT स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिर SLAT इन दोनों एग्ज़ाम्स को पास करने होंगे, और जो PhD जो है ये मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल रहेगा ये डिग्री। बस यही UGC के द्वारा अनाउंस किए गए हैं, ये इफेक्ट होंगे 1st of July से, और UGC के जो चेयरमैन है आपको M. जगदीश कुमार देखने को मिलेंगे, M. जगदीश कुमार, और UGC किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आती है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। स्टेट वाली पेज से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे पॉलिटिकल न्यूज़ से भरे पड़े हैं, इस कारण से मैंने वो पेज नहीं लिया। ओपिनियन वाले पेज से देखें तो ये बेसिकली केरला के बारे में जो है बातें की जा रही है, एन इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट्स। केरला में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारा नॉर्थ इंडियन स्टेट से माइग्रेंट वर्कर्स जो है केरला में माइग्रेट हो रहे हैं। वहाँ पे क्यों जो वर्कर्स है काफ़ी मात्रा में माइग्रेट हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि ये यहाँ पे केरला गवर्नमेंट जो है कई सारे फैसिलिटीज जो है माइग्रेंट वर्कर्स को प्रोवाइड करा रही है। कुछ दिन पहले आर्टिकल में आया हुआ था, माइग्रेंट वर्कर्स को जो मलयाली लैंग्वेज है उसमें लिटरेसी प्रोवाइड करा रहा था केरला गवर्नमेंट के द्वारा, कराई जा रही थी। तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स को लेके,
इस कारण से केरला में जो माइग्रेंट वर्कर्स का नंबर है वो बढ़ा हुआ है। बट रिसेंट टाइम्स में कई सारे आपको जो है स्ट्राइक भी देखने को मिला है। जैसे ये जो राइटर है ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ के वायना जो केरला के ये एक डिस्ट्रिक्ट है केरला की कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट सॉरी फॉर लेट कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट से यूनिवर्सिटी जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी वहीं की ये प्रोफेसर है। इनके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कई सारे रिसर्च वहाँ पे की गई कई सारे स्टडी की गई है उसके हिसाब से जो माइग्रेंट वर्कर्स का अभी स्थिति है वो दयनीय बताया जा रहा है। काफ़ी डिक्रीज हुआ है। बस इसी को लेकर आर्टिकल है। बस आपको पढ़ के इसे अंडरस्टैंड करना है बातें क्या बताई जा रही है। बाकी इसमें उतना डीप नहीं जाना कौन कौन सा स्ट्राइक हुआ क्या हुआ नहीं हुआ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक बार बस आपको गो थ्रू होना है इन सारे आर्टिकल्स के। ओके बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि हमारा होगा न्यूज़ वाले पेज से। कैबिनेट ने नोट दे दिया है क्या चीज़ को लेकर डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इसको जो है पार्लियामेंट के मानसून सेशन हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 20 जुलाई को इसमें प्रस्तुत किया जाएगा ये बिल को। और ये मानसून सेशन जो है 20 जुलाई को स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे कंट्री में तीन सेशंस होते हैं ना आपको बेसिकली तीन सेशंस होते हैं पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है या मेंशन नहीं किया गया है कितने सेशंस होना चाहिए बट जो परंपरा है वो तीन सेशंस अभी हमारे पार्लियामेंट में चल रही है। सबसे पहले जो बजट सेशन होती है फिर उसके बाद मानसून सेशन और विंटर सेशन। इन तीनों सेशंस में जो भी बिल प्रस्तुत करना होता है करके उसे पास किया जाता है पार्लियामेंट में और एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। मैंने क्वेश्चन देखे सीजीएल 2022 के आप पेपर उठा के देखना रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें बिल कौन से डेट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था और कौन से डेट में जो है ये पास हुआ है इन सारी चीज़ों पे। और एक क्वेश्चन बिल पे आता है क्या ये कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये कौन से बिल को अमेंड करेगा कौन से एक्ट को अमेंड करेगा बेसिकली ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में। सो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कौन से डेट को इनफैक्ट डेट जो है पूछा जा रहा है डेट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए बट कमीशन पूछ रही तो वी हैव टू फोकस ऑन डेट। एंड उसके बाद डेट के अलावा ये कौन से एक्ट को अमेंड करने वाली है और ये कब ये पास हुआ था ये तीनों चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अभी ये कुछ नहीं हुआ जैसे ही बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालाइज करेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। और उसके बाद इसके साथ साथ और एक बिल प्रस्तुत करने की बात की जा रही है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। ये दोनों जो बिल है मिनिस्ट्री ये डेटा प्रोटेक्शन बिल मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर में आती है अश्विनी वैष्णव जी के अंदर में और टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आती है। ये जो बिल लिया गया है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है यूरोपियन यूनियन के लॉ से लिया गया है। और उसके बाद 2017 में एक केस आया था ये बिल बेसिकली बिल क्या है प्रोटेक्शन को लेकर क्या चीज़ का प्रोटेक्शन डेटा का प्रोटेक्शन यानी कि किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल्स का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहे इसको लेके ये बिल लाई जा रही है। क्योंकि आपने डेटा ब्रीच का काफ़ी सारे केसेस अभी देखे होंगे किसी भी पर्सनल जो व्यक्ति है उसके डेटा जो है लीक हो जाते हैं इसको लेके ये बिल लाया जा रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपीज़ का फाइन बताया जा रहा है जो भी फेम जो भी कंपनीज वगैरह अगर किसी पर्सन का डेटा उनके एसेंट के बिना अगर लीक करे तो उसे इतने करोड़ तक फाइन की जा सकती है। और उसके बाद इसके साथ साथ जो पर्सन का डेटा लीक हो रहा है वो भी कोर्ट में अपना केस वगैरह फाइल करके कंपनसेशन ले सकता है उसके डेटा जो प्रोटेक्ट नहीं हुआ इस कारण से और ये जो फेम जो है कंपनी जो है वो देंगी ये कंपनसेशन उस पर्टिकुलर पर्सन को जितना भी कोर्ट उसे ग्रांट करेंगी फाइन एज अ फाइन। ओके ये कहाँ से आया ये डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है इसकी मांग 2017 से लगभग चलती आ रही है। क्या हुआ था 2017 में के एस पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था इसमें जो है फंडामेंटल राइट बताया गया था डेटा को किसी भी पर्सनल व्यक्ति के डेटा को ये आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट बताया गया था हमारी कोर्ट्स के द्वारा। सो ये था डेटा प्रोटेक्शन बिल जब पार्लियामेंट में प्रस्तुत किए जाएंगे पास हो जाएंगे फिर उसके बारे में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। ये बेसिकली बताया जा रहा है आरटीआई जो एक्ट है इसको कहीं ना कहीं वायलेट करेंगे। आरटीआई एक्ट हमारी कंट्री में 2005 में इनेक्ट की गई थी और 2005 में आरटीआई एक्ट के तहत गवर्नमेंट को हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता था जो भी पर्सन जो भी किसी सिटीजन से पूछा जाता था किसी पर्सन के द्वारा वो पूछा जा रहा है। बट यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल के द्वारा क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा बिना उसके कंसेंट के बिना उसके एसेंट के नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा ये आरटीआई के थ्रू भी नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे आरटीआई जो है कहीं ना कहीं हनन देखने को मिलेगा इसको लेके यहाँ पे चर्चाएं जो है की जा रही है।
बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान थर्ड जो है ये लॉन्च करने की बात की जा रही है इसरो के द्वारा 12 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक के बीच में। लेटेस्ट 12 जुलाई को लॉन्च कर दिया जाना चाहिए, लेट से लेट जो हो सकता है, विलंब से विलंब जितना भी हो, 19 जुलाई से पहले ये लॉन्च करने की बात की जा रही है चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड जो रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, इसमें बस आपको रॉकेट और लैंडर और जो रोवर है इसके बारे में याद रखनी है। और ये कहाँ पे जा रही है, मून के साउथ पोल पे जाएगी चंद्रयान थर्ड मिशन। ओके, एंड चंद्रयान थर्ड मिशन मून के साउथ पोल पे जाएगी। इससे पहले चंद्रयान के दो मिशन भी कंडक्ट कराए गए हैं हमारे कंट्री के द्वारा। पहला जो है 2008 में हुआ था, 2008 में लॉन्च किया गया था। और फिर सेकेंड जो चंद्रयान मिशन है, दूसरा चंद्रयान मिशन, जुलाई 2019 में ही लॉन्च किया गया था। 2019 में जो इसरो के चेयरमैन थे ये कौन थे, के सिवन थे। और 2008 में कौन थे, माधवन नायर। और ये 2008 वाला क्वेश्चन इसरो के चेयरमैन फर्स्ट चंद्रयान लॉन्च करने के टाइम पे कौन है ये पूछा गया है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, आप जाके देखना एनटीपीसी रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें। एंड 2019 में के सिवन थे। और इस बार जो चंद्रयान थ्री लॉन्च होगा इसमें एस सोमनाथ जी इसरो के चेयरमैन हैं। और आपको रॉकेट भी याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रॉकेट। फर्स्ट में जो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे जो रॉकेट यूज़ की गई थी चंद्रयान थर्ड मिशन, चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च करने में, PSLV C11, ये रॉकेट जो है यूज़ किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च करने में। और चंद्रयान सेकेंड को लॉन्च करने में जो रॉकेट यूज की गई थी ये था GSLV Mark III। और इस बार चंद्रयान थर्ड में जो रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये LVM लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री जो रॉकेट है इसके द्वारा ये लॉन्च की जाएंगी चंद्रयान थर्ड मिशन। ओके, ये था चंद्रयान के बारे में आर्टिकल। और ये कहाँ से लॉन्च की जाती है, हर एक बार SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा। श्री हरिकोटा एक आइलैंड है, कहाँ पे, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से लॉन्च की जाती है हर एक बार जो भी चंद्रयान मिशन है। और इसरो के मैक्सिमम जो रॉकेट्स हैं यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। रिसेंटली इसरो ने क्या किया है, दो सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए हुए हैं सिंगापुर के। ये दो सैटेलाइट्स का नाम क्या क्या है, ये एक है टेलियोस TELEOS टेलियोस, और एक एलेमेलाइट। ये दोनों सैटेलाइट सिंगापुर के सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से ही। और सिंगापुर की बात की जा रही तो सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस है सुंदरेश मेनन, ये हमारे कंट्री में एज अ चीफ गेस्ट आए हुए थे जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे 28 जून को मनाया जा रहा था। ओके, सो ये था आर्टिकल। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एंड नेक्स्ट आर्टिकल आपको जो फॉरेन वाले पेज है, वर्ल्ड वाले पेज, यहाँ से देखने को मिलेगा ओपेक के बारे में चर्चाएं की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, और इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वियना में। वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया कहाँ पे, यूरोप में, इसकी राजधानी वियना में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। ओपेक में क्या की जा रही है, ये चार जो कंट्रीज़ है, चार नए कंट्रीज़ का जो ज्वाइनिंग है वो करने की बात की जा रही है ये चारों कंट्रीज़ के द्वारा। आपको इनके नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं रखने हैं, हो सके करेंट में हो नाम एक बार बस पढ़ लो, बाकी कुछ हमें नहीं लगता इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का मेंबर नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट आर्टिकल आपको, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाना है। बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN का एक कोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का कोर्ट। यानी कि अगर दुनिया में दो देशों के बीच में अगर कोई झड़प होती है तो ये कहाँ पे केस करेंगे, जैसे दो स्टेट्स के बीच में होती है कहाँ पे केस किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। इसी तरीके से दो कंट्रीज़ के बीच में हो जाए तो कहाँ पे पिटीशन फाइल की जाएगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइल की जाएगी। और ये कहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये द हेग, नीदरलैंड्स की एक सिटी है नीदरलैंड्स का, द हेग, THEHAGUE, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये क्या आर्टिकल है, ये बेसिकली है 2020 के टाइम पे एक सिविलियन एयरक्राफ्ट पे फायरिंग की गई थी ईरान के पर्सनल के द्वारा। इस फायरिंग से क्या हुआ था, ये एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल गिर गया था और ये ध्वस्त हो चुका था। ये जो फायरिंग की गई थी ईरान के पर्सनल के द्वारा, तो ये फाइल करने को लेके यहाँ पे जो दोषी है ठहराया जा रहा है यूके, कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन के द्वारा, और ये कोर्ट में केस लड़ेंगे। ईरान के तरफ से रिप्लाई आया क्या, ईरान ने सोचा था कि US के जो ये एयरक्राफ्ट है बोइंग 737-800, इसको ये एक जो है ये इसको समझ रखा था कि ये एक मिसाइल जो है
ये ईरान पे आ रहे हैं, ईरान पे अटैक करेंगे, इसको लेके इन्होंने फायरिंग करी थी। इस एयरक्राफ्ट को इन्होंने क्या समझ लिया था, मिसाइल है, इस कारण से इन्होंने फायर करी थी। उस टाइम पे 2020 में यूएस जो है बॉम्बिंग कर रही थी कहाँ पे, ईरान में, बिकॉज वो न्यूक्लियर वाला प्रॉब्लम था। इस कारण से यूएस बोल रहा था ईरान जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह या फिर न्यूक्लियर बना रहा है। ओके सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग मिलेंगे कल 7 जुलाई को, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, ये 15th नंबर के प्रेसिडेंट है। 14th जो थे ये रामनाथ कोविंद जी थे, 15th नंबर के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं ये कौन से नंबर के, ये 14th नंबर के हैं। और इसरो के चेयरमैन जो एस सोमनाथ जी है ये कौन से नंबर के चेयरमैन है, ये 10th नंबर के चेयरमैन है। और ये भी पूछा जाता है कौन से नंबर के चेयरमैन है। ओके मिलेंगे हम लोग कल यानी कि 7 जुलाई को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।